हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर पैक। ये हेयर पैक मैंने अपने बालों के लिए बनाया था, बिकॉज दो दिन बाद करवा चौथ है और हर लेडीज़ अपने बालों में कलर या मेहंदी अप्लाई ज़रूर करती हैं। डजेंट मैटर कि हमारे बाल उम्र की वजह से सफ़ेद होते हैं, नहीं उम्र की वजह से नहीं, कभी जेनेटिक भी होते हैं और कभी बहुत टाइम से पहले भी हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम पे मेरी एज 16 या 17 होगी, तो मेरी एक फ्रेंड थी शिवानी, उसके बहुत ज़्यादा वाइट बाल थे और उसकी मम्मी का खुद का पार्लर था तो ये बात मैटर नहीं करती है कि उम्र की वजह से। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पैक बनाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके लिए मैंने यूज़ की है नेहा रचनी मेहंदी। हर्बल मेहंदी भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास फ़िलहाल वो पैकेट नहीं था। और यहाँ पे मैंने लिए हैं एलप्स गुडनेस के 5 हेयर पाउडर हैं ये, जिसमें हैं भृंगराज, ब्राह्मी, करी लीव्स, एलोवेरा एंड आंवला, रीठा एंड शिकाकाई। एक लोहे की कढ़ाई चाहिए हमको, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आयरन हमारे बालों के लिए कितना ज़रूरी है। और मैंने लिया है थोड़ी सी नरिशमेंट के लिए यहाँ पर कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो कोई सा भी ऑयल हो, नारियल का हो, कुछ भी हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वाटर है टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। और हमने ली है कॉफ़ी। कॉफ़ी मैंने इसलिए ली है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर पसंद है अपने हेयर्स में और स्मेल भी अच्छी लगती है कॉफ़ी की। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना हेयर पैक। और मैं अपने इस चैनल पे ब्लॉग्स बनाती हूँ, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ ऐसा भी अटैम्प्ट किया है, तो अभी रेगुलर मेरे नहीं आने वाले हैं ब्लॉग्स। तो मैं कुछ टाइम पे अपनी हेयर केयर, स्किन केयर या इस तरह से रूटीन भी शेयर करूँगी। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। फर्स्ट यहाँ मैंने ली है अपनी मेहंदी, अपने हेयर के अकॉर्डिंग ली है क्योंकि मेरे हेयर बहुत छोटे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करना या वीडियो को ना ऐसे मत करना कि ना देखें क्योंकि इसके खुद के बाल छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अपनी अपनी हेयर ग्रोथ होती है और अपनी अपनी पसंद होती है। यहाँ बस नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने ली है यहाँ पे करी लीव। अगर आपके पास घर के करी लीव्स हैं तो वो बहुत बेस्ट हैं, आप उसे मिक्सी में पीस के उसका पेस्ट बना के भी इसमें ज़रूर डाल सकते हैं, तो आपके ऐसे पैसे बच जाएंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे अपना भृंगराज का पाउडर। भृंगराज का पाउडर मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट पाउडर है सब पाउडर में से। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे ब्राह्मी। ब्राह्मी, भृंगराज, एलोवेरा, तुलसी, करी लीव्स, ये सब प्रोडक्ट आप खुद जानते हो कि आपके बालों के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। और ये सब नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फ़ोन पर, हम बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करते हैं, हम गूगल पर सर्च करते हैं। ये है कि हम में भी आप लोगों की तरह आलस है, तो मैं भी ये सब चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, पर जब भी अगर करती हूँ तो ये सब चीज़ें मिक्स करके ही इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया था अपना एलोवेरा का। अगर आपके पास घर में प्लांट है तो आप उसका भी प्लब निकाल के इसमें यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट का पतंजलि का या कोई और सा एलोवेरा हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट मैंने इसमें यूज़ किया था अपना आंवला रीठा शिकाकाई। तो थोड़े से लम्स हो गए थे उसमें, तो मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी। नेक्स्ट मैंने लिया यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर। इन सब पाउडर को पहले आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, क्योंकि बरसात है तो इनमें हल्की हल्की सी गांठें हो जाती हैं, तो मैंने वो अच्छी तरह मिक्स किया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है कैस्टर ऑयल। आपने नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की सी नरिशमेंट के लिए चाहिए, सिर्फ हाफ स्पून ही काफ़ी होता है। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके हम एक थोड़ा ना गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि गर्मी है और हम इसको अगर 2-4 घंटे के लिए रख देंगे तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब पतला हो जाएगा। ये देखिए कितना पतला, मतलब अभी तो मैं सिर्फ इसको मिक्स ही कर रही हूँ, पर मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी कि अगर इसको 2-3 घंटे रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर आप बालों में लगाओगे तो आपके पसीने के साथ बहने लगेगा, तो आप इसको थोड़ा सा टाइट ही रखें। ये देखिए हमारा पेस्ट कितना ज़्यादा मतलब पतला हो गया, ठीक हो गया, मतलब बालों में लगाने लायक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।